राम राम, आपका बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज बहुत अच्छा दिन है, आपके यहाँ तो 22 तारीख हो गई होगी लेकिन हमारे यहाँ भी 21 तारीख ही है, लेकिन जो सेलिब्रेशन है वो हम आज ही कर रहे हैं संडे को। यहाँ पे जो स्कॉन टेम्पल है वहाँ पे राम प्राण प्रतिष्ठा का एक सेलिब्रेशन है, और ये स्कॉन की हिस्ट्री में पहली बार है कि राम भगवान मंदिर में आ रहे हैं, और अब से कृष्ण भगवान के साथ राम भगवान भी स्कॉन टेम्पल में रहेंगे। तो हम बस वहाँ जाने वाले और फिर हम वहाँ मिलते हैं। आज चेरी ने भी इंडियन पहना है। हम पहुंच गए स्कॉन और यहाँ पूरा भरा हुआ है, पार्किंग पूरी भरी हुई है, बस दो ही बची थी, एक हमने पार्क कर लिया है, अब जाते हैं अंदर। तो बहुत ही राममय माहौल हो रहा है स्कॉन का, सब लोग यहाँ डांस कर रहे हैं और बहुत जोर जोर से सीताराम की यहाँ चैंटिंग हो रही है। तो यही एक प्लेस है पूरा ग्लास्टनबरी में जहाँ इंडियन कम्युनिटी से इकट्ठा होती है, और एक इंडियन जो टेंपल वाली फीलिंग आती है वो यहीं आके आती है। तो यहाँ सब लोग लाइन में खड़े हैं, वहाँ पे राम भगवान उन्होंने रखे हुए हैं और वहाँ पे सब लोग दर्शन कर रहे हैं। स्कॉन से हम 7 बजे आ गए थे और अभी बज रहे हैं यहाँ के रात के 12, और मैंने सोचा था कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो मैं भी झकती रहूँगी और मुझे भी लाइव देखना है, क्योंकि ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं और ये तो 500 ईयर्स बाद आ रहा है, तो ये तो हमको देखना ही चाहिए, क्योंकि हम मूवीज़ वगैरह देखने के लिए भी 2-2, 3-3 बजे तक जग जाते हैं। तो ये तो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो बस अभी मैं हलवा बना रही हूँ प्रसाद के लिए, और फिर हम जैसे इंडिया में लाइव चलेगा उसके साथ फिर मैं आरती करूँगी। तो ये है प्लानिंग मेरी राम प्राण प्रतिष्ठा की, तो फिर करते हैं। तो हलवा बन गया है और अब कुछ कुछ चीज़ें मैंने दीपक वगैरह निकाल लिए हैं लगाने के लिए। आने के बाद हम घर देखेंगे कि घर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है लेकिन कुछ चीज़ें हैं। राम की हमारे पास कोई भी फ़ोटो नहीं थी, तो मैंने सोचा कि रामलला की जो मूर्ति है उसी का प्रिंट निकाल के आज पूजा करते हैं। प्रिंट निकालने के बाद हमारे भगवान कैसे लग रहे दिखाते हैं।